Dear friends, good morning. Welcome to Professor S.P. Goyal's IAS classroom. आज हम 26 नवंबर का संडे का न्यूज़पेपर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले तो मैंने एक ये इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है जो कि रोजाना कैसे न्यूज़ से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं यूपीएससी एग्जामिनर। जब आपने ये समझ लिया तो आपके 110 प्लस आ जाएंगे जीएस में अगले साल प्रिलिमरी में। दूसरा, आपने रोजाना मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर जाके 2 मिनट का मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से, दोनों न्यूज़पेपर से, वो रोज आपने अटेम्प्ट करना है और इससे आपके जरूर जो है मुझे उम्मीद है कि 3-4 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा आपके ठीक हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं द हिंदू पे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, WHO कैटेगराइज इनफर्टिलिटी इन वुमेन एज ए डिजीज। यस करेक्ट। Goa has become the first state to offer free IVF, ART and IUI services. तो ये न्यूज़पेपर से ना बड़े प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। वो द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन आपके प्रीलिमरी में आ सकता है। इस तरह के कमीशन पे, नेशनल कमीशन पे क्वेश्चन हर साल आता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज ए स्टेचुरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर पोक्सो एक्ट 2012। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स डिफाइंड चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, दिस इज ए स्टेचुरी बॉडी अंडर द जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में बनी है ये। इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। अब आप ये न्यूज देखिए, कल आपने इस न्यूज को पढ़ा है। अब इसमें से क्वेश्चन देखिए, क्या आपने ये क्वेश्चन निकाले हैं? देखिए, आदित्य L1 PSLV-57 ने लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 LBM-3 ये रॉकेट लॉन्चर है, लॉन्च व्हीकल। देन एक्सपोसेट PSLV-60 ये लॉन्च करने जा रहे हैं इसको। देन गगनयान GSLV-MK-3 से लॉन्च होगा। तो ये कई बार कंपेयर करवा लेते हैं आपसे पेयर्स से। अगेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ए स्टैचुरी बॉडी एंड 7-member बॉडी। देन देर शुड बी एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर इन दिस कमीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चेयर एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट। नो, दीज आर अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द स्टेटमेंट्स इन रेड दे आर इनकरेक्ट एंड इन ब्लैक दे आर करेक्ट। And again, I have taken one more question from National Commission for Protection of Child Rights. Is mandatory inspection of POCSO Act and RTE Act. ये दोनों एक्ट को इंस्पेक्शन कर सकता है। Yes, it has developed घर पोर्टल। घर पोर्टल पूछ ले किसने दिया, ये National Commission for Protection of Child Rights ने दिया है। Then it monitors social audit of child care institution. This is a correct statement. Then chairperson and members of the State Commission for Protection of Child Rights are appointed by the governor. No, this is appointed by the state government. So only 3 statements are correct. अब ये देखिए, सिंपल सी न्यूज थी। गवर्नमेंट ने सिविल सोसाइटी लद्दाख की उनको इन्वाइट किया है डायलॉग के लिए, डिस्कशन के लिए। सिंपल न्यूज है। इसमें देखिए आपने क्या ये क्वेश्चन निकाले हैं जो मैंने निकाले। अब ये डिमांड कर रहे हैं लद्दाख की सिविल सोसाइटी के हमें 6th शेड्यूल में रखा जाए, लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखा जाए। और वहां पे जो है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है, क्योंकि 6th शेड्यूल में ही है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो आपको ये पता होना चाहिए 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं, क्यों ये लद्दाख मांग रहा है। ये मेन का क्वेश्चन भी है, ये फ्रीक्वेंटली न्यूज पेपर में आ रहा है। देन अगला भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल में मांग रहे हैं, 5th में तो अभी भी है। ये 6th शेड्यूल में इनकी डिमांड है। और इनकी जो डिमांड है, एक तो डिमांड है स्टेटहुड, लद्दाख को स्टेट बनाया जाए। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर लोकल पीपल, 1 लोकसभा सीट ईच फॉर लेह एंड कारगिल। अभी तो एक ही है लद्दाख की, 2 मांग रहे हैं। तो ये आपको मेन में भी आ सकता है और प्रीलिमिनरी में भी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, इनमें से कौन सा स्टेट जो है 6th शेड्यूल में नहीं है, मणिपुर नहीं है, इसकी जगह मिजोरम है। देन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर इज पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 168, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बड़ी सिंपल सी न्यूज है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन निकाल दिए अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री से। इनका एक तो ये लॉन्च एम्पलीफी 2.0, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। देन
ये अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 2022 ये किसने डेवलप किया? दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड पीडब्ल्यूसी इंडिया। सो अब ये टीवी पे जो है हर महीने एक दो आर्टिकल आते हैं, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन हेल्थ पे आएगा, डिजीज पे आएगा। सो 3HPTB प्रिवेंटिव ड्रग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अब ये इस पे टीबी पे मैंने एक क्वेश्चन और बनाया, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। 3HPTB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12 वीक से वंस वीकली आइसोनेजिड रिफैपेंटिन, ये दो दवाइयां हैं, दो ड्रग हैं, और पहले ट्रीटमेंट सिर्फ एक का चल रहा था। ये आप समझिए, ये 2023 में लॉन्च हुआ है प्रिवेंटिव के लिए, ये क्यूरेटिव नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना। देन टीपीटी यूजिंग 3HP ड्रग इज चीपर, यस, पहले जो चल रहा था ना मोनोथेरेपी आइसोनियाजिड से, उससे चीपर। बिफोर लॉन्चिंग दिस 3HPTB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, डेली डोज ऑफ आइसोनियाजिड फॉर 6 मंथ, पहले 6 मंथ का था प्रिवेंशन के लिए, अब ये 12 वीक्स का हो गया। देन इन इंडिया देर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ गेटिंग री इन्फेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, इसका मतलब टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के बाद भी इन्फेक्शन हो सकती है किसी को भी, चांसेस हैं, 100% इसका प्रिवेंशन नहीं है। ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये मीजल्स पे क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको डिजीज पे आएगा। 2022 में मीजल्स के केसेज भी डेथ भी ग्लोबली बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये मीजल्स को लिया गया है, और इसमें न्यूबॉर्न और प्रेग्नेंट वुमेन दोनों को इम्यूनाइजेशन होती है, नॉट ओनली न्यूबॉर्न। देन मीजल्स इज ए कंटेजियस डिजीज, यस, कॉज्ड बाय ए वायरस। आप ये देखिए आधा क्वेश्चन कई बार गलत ठीक होता है, आधा गलत होता है, एग्जामिनर ऐसे देता है, कंटेजियस आपने देख लिया, बैक्टीरियम पढ़ा नहीं, तो दोनों क्रिटिकली पढ़ना है क्वेश्चन को। मेजर इज ए कंटेजियस डिजीज कॉज बाई ए वायरस, मेजर इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द डिजीज थ्रू कफ्स एंड स्नीजेस, यस, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए दूसरा मेजर्स पे क्वेश्चन देखिए, मेजर्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड विद MMR वैक्सीन, नो, इट कैन बी प्रिवेंटेड विद MMR वैक्सीन, वन डोजेज ऑफ MR इज सफिशियंट टू प्रिवेंट मेजर्स, नो, देर आर टू डोजेज फॉर दिस। देन मेजर्स does not cause morbidity and mortality in children. Measles causes morbidity and mortality both in children. So these three statements are incorrect. Then MMR vaccine is safe and cost effective measure. Yes, this is a correct statement. So only one statement is correct. ये अब राम अकॉर्ड जो है बार बार न्यूज पेपर में आता है, 2020 में हुआ था, किस कंट्री के बीच में, ये बार बार पूछेंगे आपसे, नेक्स्ट प्रिलिमरी में आएगा ये, इजराइल, UAE एंड बहरेन इज द करेक्ट आंसर। ये ओपन AI पे जो है रोजाना आर्टिकल आ रहे हैं, ओपन AI जब से सैम एल्टमैन को सस्पेंड किया है कंपनी से, हु स्टार्टेड ओपन AI ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया है, सलमान एल्टमैन, एलन मस्क एंड इंफोसिस। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में देखिए आप, ये मैंने क्वेश्चन निकाला, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी NBCC, इट इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नो, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिश्ड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, नो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम पब्लिश्ड दिस नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आपके मेन एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसके आपके नोट्स होने चाहिए एक पेज के आपके पास। Then Ministry of New and Renewable Energy is the nodal ministry for implementation of biodiesel mission. Yes, this is a correct statement. Then NBCC has set indicative targets for blending sustainable aviation fuel with aviation turbine fuel. Yes, blending जब भी होगी, जैसे इथेनॉल के पेट्रोल के साथ करते हैं, ये NBCC apex organization है under the Ministry of Petroleum. अब इसी तरह का question जो है फिर आ गया, कोर्सिया would require airlines globally to offset any growth in CO2 emissions beyond 2020 level. Then using jet fuel blended with sustainable aviation fuel is one of the ways to keep CO2 emissions under the permissible limit. Then NBCC is an inter-ministerial panel under the chairmanship of Union Ministry of Petroleum and Natural Gas.
these three are the correct statement. Then NBCC panel has recommended SFF blend, initial blending of mandate of 2% from 2025 and 5% blending of SAF by 2028. No, it is 2% blending of SAF by 2028. This statement is incorrect. Dear students, अब टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के रोजाना 2 मिनट का मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से, दोनों न्यूज़पेपर से, द हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस से, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, हो सकता है आपके उससे 2-3 क्वेश्चन ठीक हो जाए। दूसरा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो है कॉमेंट्स दीजिए। आप कॉमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए जो आपकी नीड है, ताकि आपके 110 प्लस मार्क्स से आप सेव हो जाएं और आपके आप टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।